इंडक्टेंस यानी इंडक्टर यानी कॉइल, जिसकी वैल्यू 1 हेनरी है, ये कनेक्ट किया है एक सोर्स को, एसी सोर्स को, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सोर्स। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब समझ लेना कि सोर्स कौन सा है, एसी सोर्स है। जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ वो सोर्स कौन सा रहता है, एसी सोर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड मतलब नंबर ऑफ साइकल्स बन रही है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, एक साइकिल है पॉजिटिव नेगेटिव एक साइकिल, है ना, तो नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो एक साइकिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी दी मतलब समझ लेना कि वो सोर्स कौन सा है, एसी सोर्स। दूसरा मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है वो ये कि अगर इंडक्टर या कैपेसिटर रहा तो वो कौन से करंट की और वोल्टेज की बात समझता है, आरएमएस, आरएमएस करंट को समझता है और आरएमएस वोल्टेज को समझता है, दूसरी भाषा समझता नहीं। जैसे कि आप किसी चाइनीज के साथ बात करोगे हिंदी में, हाँ, तो उसको हिंदी समझेगी नहीं, वो बोलेगा कि भाई मुझे तुम्हारी भाषा नहीं समझ रही है, बोलेगा ना वो चाइनीज है, उसको थोड़ी ना हिंदी समझ में आएगी। उसी प्रकार से इंडक्टर और कैपेसिटर ये जो सर्किट्स है इनको सिर्फ आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज की भाषा समझती है। तो जो भी हम सप्लाई देते हैं वो सप्लाई कौन से रूप में रहता है, आरएमएस के रूप में, किसके लिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, रजिस्टर के लिए नहीं रहता। रजिस्टर सादी भाषा समझता है करंट और वोल्टेज की सादी भाषा, उसके लिए आरएमएस रूट मीन स्क्वेयर की भाषा नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ जो सर्किट है तो वहाँ बोलोगे कि सर ये तो प्योरली इंडक्टर है, कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। हाँ, तो ये देखो फिर इंडक्टिव सर्किट, तो ये इंडक्टिव सर्किट, यस, और ये एसी सोर्स। तो एसी सोर्स में यहाँ वोल्टेज आपको दिया है, कितना दिया है बोलो, ये इंडक्टर, पहले इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस, ये करंट बह रहा है, लेकिन मैंने बताया कि अब जो ये करंट है ये कौन सी भाषा समझता है, आई आर एम एस, और वोल्टेज भी ई आर एम एस, वोल्टेज यानी ही ई एम एफ, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है एफ, यस, हाँ। तो देखो कौन सी वैल्यू हमें दी है, तो आप बोलेंगे सर उसका वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट वो पक्का कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, आरएमएस, क्लियर, अच्छा, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स, ओके, ठीक है। तो करंट की भाषा जो समझेगा वो आरएमएस करंट की भाषा समझेगा, यस। तो अब यहाँ पे जो हमें बोला गया है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करो, कौन सा करंट फाइंड करो, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कौन सा होता है, आई जीरो, कौन सा, अब यहाँ आई आर एम एस हमें नहीं दिया है और वो हमें फाइंड भी नहीं करना है, हमें कौन सा करंट फाइंड करना है, हाँ, आई जीरो करंट फाइंड करना है, ओके। देखो फिर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंडक्टर क्या दिया है बाबू, इसकी वैल्यू क्या दी है बोलो, 1 हेनरी, क्या दी है, तो बोलो फिर मुझे बताओ करंट तुम कैसे फाइंड करोगे, करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ओम्स लॉ सीधा, हाँ, बाय ओम्स लॉ, क्या है रे, वी इज इक्वल टू आई आर, हाँ, इंडक्टर के लिए क्या रहेगा, इंडक्टर के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे, हाँ बताओ जल्दी, अब जब आपको मैक्सिमम चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए रे, बोलो जल्दी, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम करंट हमें चाहिए, तो वोल्टेज भी कौन सा लगेगा, मैक्सिमम वोल्टेज कौन सा, तो वी के जगह ई काम करेगा और वो भी मैक्सिमम चाहिए, तो ई जीरो, आई की जगह रे आई जीरो, और आर रेजिस्टेंस की जगह, ये कौन है इंडक्टर, तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा होता है, एक्सएल, टेक्निक क्लियर क्या बोलो, देखो हमारे लिए सर्किट के अनुसार हम कैसे फॉर्मूले चेंज करते हैं, समझ में आया, अगर रजिस्टिव सर्किट होता तो वी इक्वल टू आई आर रखता, लेकिन ये कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, तो ई जीरो इक्वल टू आई जीरो इंटू एक्सएल, क्योंकि हमें ये आई जीरो पूछा है, आरएमएस वैल्यू पूछी होती तो उसके प्रकार से हम फार्मूला लगाते, तो सर हमें आई जीरो फाइंड करना है, ओके, और ये एक्सएल, तो एक्सएल के लिए, एक्सएल भी आपको डायरेक्टली दिया है क्या, सर नहीं, एक्सएल डायरेक्टली दिया नहीं है,
तो एक्सएल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इधर साइड वर्क बताओ, साइड वर्क हाँ बोलो, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है रे, ओमेगा एल, ओमेगा यानी 2πf(l) तो 2 है कि नहीं, यस 2πf कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 दी है और एल कितना दिया है, 1 दिया है, तो 2 × 50 यानी 100 और ये पाई हो गया, यस तो ये एक्सेल हमें मिल गया, यस एक्सेल हमें मिल गया, क्लियर क्या। उसके बाद में आई ज़ीरो में फाइंड करना है ई ज़ीरो, तो सर ई ज़ीरो तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो ई आर एम एस है, कैसे समझा कि ये वैल्यू 200 होल्ड जो हमें दिए वो ई आर एम एस है, कैसे समझे आपने, वहाँ कहा दिया था ई आर एम एस दिया था क्या, फिर आपने इसको ई आर एम एस कैसे समझा, क्योंकि सर्किट कौन सा है, इंडक्टिव सर्किट है, तो बहने वाला करंट ये वो कौन सी भाषा समझते हैं बोला, आर एम एस की भाषा, तो बहने वाला करंट आर एम एस और वोल्टेज भी आर एम एस, तो जो वोल्टेज दिया वो डेफिनेटली कौन सा, आर एम एस वोल्टेज, अरे भाषा ही वो कौन सी समझता है, आर एम एस की भाषा, तो वोल्टेज कौन सा रहेगा, आर एम एस वोल्टेज। तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो मैक्सिमम वोल्टेज है और ये तो ई आर एम एस दिया है, तो फिर क्या करे, तो रिलेशन है ना आपके पास, क्या रिलेशन है, ई आर एम एस इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन रूट टू, यस बरोबर, तो रूट टू इधर लाओ तो क्या होगा, रूट टू इंटू ई आर एम एस इक्वल टू ई ज़ीरो, तो ये रूट टू वैसे ही, क्लियर क्या। और ये ई आर एम एस कितना है, 200 है ना, इक्वल टू ई ज़ीरो, तो ये 200 पहले लिखे, रूट टू इक्वल टू ई ज़ीरो, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो ये देखो ई ज़ीरो की वैल्यू ये होल्ड्स के रूप में आ गई है ना, तो सारी तो वैल्यू अभी मिल गई हमें, सारी ही वैल्यू मिल गई कि नहीं, बोलो जल्दी, तो बस बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये भी पाई की वैल्यू, इसको भी सॉल्व कर लेते, 100 × π की वैल्यू कितनी रे, 3.14, तो ये कितना आ गया, 314 है ना, एक्सेल रेजिस्टेंस ओहम में, ये सिंबल ओहम का, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ओहम, यस। तो हमें यहाँ आई ज़ीरो चाहिए बाबू रे, आई ज़ीरो हमें चाहिए, तो ये ई ज़ीरो हमने फाइंड कर लिया, क्लियर क्या, क्या फाइंड कर लिया बोलो जल्दी, तो ये भी लगे तो इसको सॉल्व कर लेते ताकि यहाँ फिर आसानी जाए, तो 200 रूट टू यानी रे 1.414, तो उसको अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, क्या आएगा बताओ, इसका तो डबल पहले, तो ये क्या हो जाएगा 2828, और ये 20 है तो दो डिजिट सामने, तो ये सीधा क्या आएगा बताओ, या कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये देखो 1.414 × 200 20, ये पहले ही दे दिए, और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 1, 2, 3 डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये आ गया 282.8 इतना होल्ट, क्लियर क्या बोलो, यस। तो ये वैल्यू रख लो, आई ज़ीरो हमें फाइंड करना है वो वैसे ही, ई ज़ीरो वैसे ही, ये एक्सेल, यस। तो भाई ई ज़ीरो की वैल्यू ये 282.8 और एक्सेल की वैल्यू है 314 इक्वल टू आई ज़ीरो, इसका कैलकुलेशन करोगे तो सीधा कैलकुलेशन आता है 0.9 आता है ये, 0.9 आई ज़ीरो, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू करंट है, तो उसका यूनिट क्या आएगा, एम्पियर, ये हो गया आंसर, और ऑप्शन बोलो बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर कह रहे बाबा बोलो, क्लियर, यस। Which of the following represents the variation of inductive reactance XL with the frequency of voltage source F? तो आपको ग्राफ दिए ए बी सी डी, उसमें वाई एक्सिस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL दिया है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये रिलेशन बताने के लिए, ये रिलेशन बताने के लिए देखो बरोबर ध्यान दो, तो मुझे एक्सेल का फार्मूला बताओ बरा क्या है, हाँ एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा यानी 2πf(l), तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिया है वो किसके बीच में दिया है, एक्सेल और एफ के बीच में,
टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस, वो भी वैल्यू जो दिए है वो फिक्स यानी कांस्टेंट। तो एक्सएल का रिलेशन एफ के साथ क्या आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ख्याल में रखो, दुनिया का कोई भी ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन रहता है अगर वो दोनों टर्म क्या रहे, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक्सएल जो कि आपको वाई एक्सिस पे दिया है और एफ फ्रीक्वेंसी जो एक्स एक्सिस पे दिया है, तो ये देखो ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ये एक्सएल दिया है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी है, तो दोनों का रिलेशन कैसा है बोला, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ये ओरिजिन ओ, क्लियर क्या? तो ये ग्राफ कहाँ पे है वहाँ बताओ, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। लेकिन मैं अभी आपको एक्स्ट्रा भी पार्ट बताता हूँ जो कि पूछा नहीं गया, वो भी बताता हूँ। अब ये एक्सेल के लिए हो गया, कौन सा सर्किट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ऑब्वियसली इंडक्टिव एसी सर्किट। अगर कैपेसिटिव दिया होता कैपेसिटिव एसी सर्किट, तो मुझे बताओ बरा एक्सी का फार्मूला क्या होता है। हाँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ जो ईसा एमसीक्यू का पार्ट नहीं है। तो बताओ बरा एक्सी इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी। तो एक्सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ इंटू सी। तो यहाँ फिर से टू पाई ये कांस्टेंट नंबर है, सी भी ये कैपेसिटी, उसका कैपेसिटर की वो भी फिक्स वैल्यू होती है, जो भी रहेगी वो फिक्स रहती है। तो एक्सी का रिलेशन एफ के साथ क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो जब भी दो टर्म एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो ग्राफ जो आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी ये जैसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे अगर हमने यहाँ ये एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली, तो इसका ग्राफ आता है ऐसी ये कर्व। ये कर्व यानी ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये क्या रहती है बोला, ये तो मालूम ही है आपको, क्या रहती है, ये स्ट्रेट लाइन रहती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये पूछा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, जैसा ये क्वेश्चन एमसीक्यू है उसी प्रकार से ये एमसीक्यू, तो ये एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या आता है रे बाबू ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑलवेज ख्याल में रखो, अगर दो टर्म एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और दो टर्म अगर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहता है। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस। इफ इन एन एसी एलसी सीरीज सर्किट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एलसी सीरीज सर्किट यानी रे इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, मतलब पूरा नाम क्या होगा फिर, इंडक्टिव कैपेसिटिव एसी सर्किट। क्लियर, इसमें बोला गया है हमें XC इज ग्रेटर देन XL, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस या इंडक्टर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस मतलब रे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये ग्रेटर है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, हेंस पोटेंशियल ब्लैंक। और ब्लैंक में हमें ऑप्शन लिखनी है ABCD में से, तो राइट ऑप्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी, ऑप्शन डी, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय टू इन फेज। बरोबर ना है कि नहीं, कैसे फिगर बता देता हूँ, सुनो देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई। तो एक्स एक्सिस पे ये करंट बहता है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया, करंट किया ड्रॉ, हाँ। और अगर सर्किट रेजिस्टिव रहा, कौन सा सर्किट रहा, रेजिस्टिव, लगे तो मैं वो सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इस प्रकार से अगर सर्किट रेजिस्टिव रहा और ये एसी सोर्स रहा, हाँ, तो बहने वाला करंट, क्लियर क्या, बहने वाला करंट, हाँ, ये सर्किट, ये जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस है रजिस्टर का, और ये EMF रजिस्टर का, तो ये ER, क्लियर क्या। तो देखो करंट और ये ER, ER यानी रे EMF ऑफ
रजिस्टिव सर्किट, क्लियर किया? हाँ, तो ये दोनों क्या रहते हैं, एक ही दिशा में, मतलब सेम फेज में, क्लियर किया? अगर यही डायग्राम ये रिएक्टिव एसी सर्किट के जगह कौन सी रे ये है बताओ, रिएक्टिव एसी सर्किट, उसके जगह अगर इंडक्टिव एसी सर्किट रहा, क्या रहा? इंडक्टिव एसी सर्किट, ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस एल और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, आपको मालूम है एक्सएल, तो इसका करंट और इसका ईएमएफ, क्या रे ईएल, हाँ, तो इसका ईएमएफ जो है ये ईएल इस करंट से 90 डिग्री लीड करता है, देखो ईएल ये आई से 90 डिग्री लीड करता है। और अगर ये कैपेसिटिव सर्किट रहा तो रे, कैपेसिटिव सर्किट रहा तो ये एसी सोर्स वही, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी, ये कैपेसिटर, हाँ, तो ये बहने वाला करंट आई और इसका ईएमएफ, क्या रे बाबू, सोर्स का ईएमएफ ईसी, तो यहाँ ईसी जो है ये, ईसी जो है ये लैग करता है आई से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, मतलब ईसी आई से 90 डिग्री पीछे रहता है एंगल में यानी फेज में। तो अभी आप बोलेंगे सर तो सर्किट जो हमें दिया है ना तो रेजिस्टिव है, ना तो इंडक्टिव है, ना तो कैपेसिटिव है, सर्किट तो ये है सर, कौन सा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ऐसा मिलके है, वही सर एसी सोर्स, सही बात है, ये बहने वाला करंट, यही बहने वाला करंट, अच्छा आई और क्लियर, हाँ, तो मुझे अभी बताओ ये वो इंडक्टर, ये कैपेसिटर, इंडक्टर का इंडक्टेंस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी, हाँ, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस एक्सी है ना। तो प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि भाई ये एक्सी जो है इस एक्सएल से बड़ा है ना, तो इसका जो ये ईएमएफ रहेगा, देखो रे बाबू, इसका जो ईएमएफ रहेगा, तो पहले बता देता हूँ कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो इसका जो ईएमएफ रहेगा वो क्या रहेगा, देखो बताओ, ईसी माइनस ईएल है ना, क्योंकि ईसी बड़ा है ना, एक्सी बड़ा है एक्सएल से, मतलब ईसी बड़ा है ईएल से, हाँ, तो अभी आप बोल रहे हैं कि ईसी बड़ा है और ईएल छोटा है, चलो इसी को हम ले लेते हैं, इतना ये वाला इतना जो है इसकी वैल्यू समझने के लिए लेते हैं 5, कितनी, और एल की वैल्यू ये जो है यहाँ से ये ओरिजिन से ये वैल्यू ये मान लो 2 है, कितनी 2 होल्ट, तो इसी कितनी है 5 होल्ट, एल कितनी है 2, तो फिर इसी माइनस एल अगर ड्रॉ करें तो कितना आएगा 3, हाँ, तो ये और वो कहाँ रहेगा नीचे, क्यों, क्योंकि इसी बड़ा है ईएल से, कैसे मालूम हो गया, क्योंकि एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो ये जो वैल्यू है ये मान लो ये पॉइंट, तो ये जो वैल्यू है ये है ईसी माइनस ईएल, क्लियर कह रहे, वो नीचे रहेगी, सर आप क्यों नहीं रहेगी, नीचे क्यों रहेगी, क्योंकि ईसी बड़ा है ईएल से, तो कहाँ रहेगा, अगर ये ईएल बड़ा होता ईसी से तो कहाँ आता, अब तो फिर से मुझे बताओ ये EL माइनस ईसी भी I से कितने डिग्री लैग कर रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ जो वोल्टेज रहेगा वो करंट से कितना लैग करेगा, यही ये देखो, तो हमें वही पूछा है कि भाई इस केस में जब एक्सी बड़ा है एक्सएल से, कौन बड़ा है किससे, एक्सी बड़ा है, क्या होता है, पोटेंशियल यानी जो ये वोल्टेज है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज ये करंट से क्या रहेगा, पीछे रहेगा, लैग करेगा, तो ऑप्शन कौन सी, डी, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2 इन फेज, फेज यानी एंगल में, और ये हो गया आंसर, कौन सा ऑप्शन, डी। अब यही प्रश्न अगर वो ऐसा पूछते तो, इसके बजाय अगर वो ऐसा बोलते कि भाई ये एक्सएल बड़ा है ना, एक्सी बड़ा है ना, एक्सएल छोटा है ना, जिधर दो एंड वो बड़ा और जिधर एक एंड हो छोटा, और अगर ऐसा होता तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ऐसा होता तो फिर क्या होता बोलो, तो फिर हाँ यही जो है ये ईसी माइनस ईएल ने फिर ईएल माइनस ईसी कहा होता, अब
और वो 90 डिग्री क्या करता, मतलब वो पोटेंशियल यानी वोल्टेज आई से 90 डिग्री लीड करता, लीड करना यानी सामने रहना और लैग करना यानी पीछे रहना, क्लियर क्या? यस। तो ये जो आपको पूछा था उसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर? चलो मेंशन करो, क्लियर है बाबू एवरीबडी? यस। द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट आर रिस्पेक्टिवली, तुम्हें बोला है कि एमीटर क्या रीडिंग देगा और वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा, ये प्रश्न पूछा है। एमीटर क्या रीडिंग देगा, एमीटर क्या गिनता है रे बाबू, करंट गिनता है, तो करंट की वैल्यू कितनी ये पूछा है। वोल्टमीटर क्या गिनता है, वोल्टेज गिनता है, तो आपको वोल्टेज की वैल्यू गिनी, वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, ओके। और बस हमें वो सर्किट डायग्राम दिया है और वो सोर्स दिया है एसी सोर्स 220 वोल्ट का और उसकी फ्रीक्वेंसी 50, क्लियर क्या? यस। तो पहले वो जो डायग्राम दिए है उसको हम ड्रॉ करते हैं, बोलो क्या दिया है? तो आप बोलेंगे पहले क्या दिया है, इंडक्टर, हाँ या ना, बोलो जल्दी, इंडक्टर, फिर कैपेसिटर और फिर रजिस्टर, यस ये दिया है। और ये एसी सोर्स दिया है, एसी सोर्स दिया है, क्लियर क्या? इसका वोल्टेज कितना दिया है बोलो, 200 वोल्ट, बरोबर, कितना दिया है, 220 दिया है, ओके, 220 दिया है, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी एफ कितनी दी है, 50 हर्ट्स। अच्छा अभी बराबर ध्यान दो, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी, रजिस्टर का रजिस्टेंस आर। अब यहाँ पे उसके जो वोल्टेजेस है वो दिए हैं आपको, क्या दिया देखो, इसके ऊपर का वोल्टेज VL कितना दिया है, 50 वोल्ट, और कैपेसिटर के ऊपर का वोल्टेज VC कितना दिया है, 50 वोल्ट, क्लियर। और ये जो रजिस्टर है यहाँ पे क्या लगाया हुआ है बोलो, तो एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है, यस, पैरेलल में, ताकि यहाँ का वोल्टेज गिन सके, क्लियर क्या, ये लगाया है, यस। लेकिन अभी यहाँ खासियत देखो कि VL और VC क्या है, सेम है, तो ये देखो गिवन VL इक्वल टू VC, मतलब इंडक्टर के ऊपर का वोल्टेज और कैपेसिटर के ऊपर का वोल्टेज कैसा है, सेम। जब दोनों के ऊपर के वोल्टेजेस सेम है इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर, तो 100% समझ लेना कि उनके रेजिस्टेंसेस भी क्या है, समान। देयरफोर ये XL इक्वल टू XL यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और XC यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, जिसी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जैसे ही XL इक्वल टू XC है तो समझ लेना ये इंडक्टर और कैपेसिटर वहाँ सर्किट में है ही नहीं, ये अकेला ज रह गया अभी आर, अकेला ही आर रह गया, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम, मतलब ये यहाँ दोनों है ही नहीं, दोनों यहाँ है ही नहीं, मतलब अकेला कौन है, कौन है, रजिस्टर है। कैसे देखो, मैंने आपको बताया, मैंने अगर बोला कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस, जेड का फॉर्मूला क्या होता है रे बताओ, बर रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर, तो ये रूट आर स्क्वेयर प्लस ये XL है कि नहीं। अच्छा अभी आप मुझे बताओ बर एक बात बताओ बर, XL इक्वल टू XC है कि नहीं, तो देयर फोर XL, ये XC इधर लाया तो XL माइनस XC इक्वल टू कितना रह गया, तो XL माइनस XC क्या होगा, जीरो का स्क्वेयर, तो क्या रह गया, ये रूट आर स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल यानी आर, तो जेड की वैल्यू, अरे जेड की वैल्यू आर आ गई, मतलब सिर्फ रजिस्टर सर्किट में, ये दोनों सर्किट में नहीं। तो ख्याल में रखना दोनों के वोल्टेजेस सेम है, मतलब दोनों के रजिस्टेंस सेम है, और दोनों के रजिस्टेंस सेम है, मतलब ये दोनों सर्किट में है ही नहीं, तो सर्किट में बचा कौन, अकेला यही। तो ये जो सर्किट है, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा ये सर्किट, अरे बोलो ना, ये रजिस्टिव सर्किट होगा, और यहाँ पे क्या लगाया है, ये वोल्टमीटर, सर्किट कौन सा रह गया सिर्फ बोलो। तो ये इतना बड़ा
जो एलआरसी सर्किट है वो कुछ भी नहीं, क्या है ये? रेजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर का वोल्टेज सेम, इसलिए रेजिस्टेंस सेम, इसलिए सर्किट में नहीं है। तो अभी आपको प्रॉब्लम में पूछा है कि बाबा रे कि अगर हमने ये वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्टेज गिनेगा, इसी प्रकार से एमीटर लगाया तो करंट गिनेगा। तो अब मैंने आपको बताया कि ये जो सोर्स है दिखाया क्या 220 वोल्ट, यार ये दिखाया क्या 220 वोल्ट, तो ये वोल्टेज ये सादा वी रहेगा, है या ना, वी आरएमएस रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट सदी आई और वी की भाषा समझता है। क्लियर क्या? आरएमएस की वैल्यू को भाषा कौन समझता है? इंडक्टर और कैपेसिटर समझते हैं। क्लियर? तो भाई वोल्टेज हमें पूछा है, तो वोल्टेज कितना आ गया? सीधा सीधा बोलो फिर, वोल्टेज कितना? देयरफोर वोल्टेज, ये देखो वोल्टेज वी इक्वल टू कितना? 220 वोल्ट। यही क्या रहेगी? अरे बोलो ना, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर रहेगी, है ना, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग। यस सर। और करंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है रे बाबू? करंट है ना, तो करंट क्या होगा बाय ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाय आर, है ना। हाँ, तो वी कितना दिया है बोलो सर? 220। और आर कितना दिया है? आर दिया है ना हमें, ये कितना दिया है? 100। अरे आर दिया है ना फिगर में, ये दिया है आर कितना? 100 ओहम। तो ये 1010 कैंसिल, तो 22/10 यानी 2.2 करंट है तो एम्पियर, तो ये आंसर आ गया है ना। तो ये क्या रहेगी रे? रीडिंग ऑफ बोलो, अरे रीडिंग ऑफ एमीटर रहेगी। क्लियर क्या? तो ऑप्शंस बताओ बरा, कहाँ पे ये फिट बैठता है? तो ऑप्शन सी रहेगा, ये देखो ऑप्शन सी, 2.2 एम्पियर इतना करंट गिनेगा एम्पियर, और जो वोल्टेज है वो वोल्टेज रहेगा 220 वोल्ट का। तो ऑप्शन कौन सी? सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? तो ये पूरा सर्किट जो एलसीआर सर्किट दिया था कंडीशन के अनुसार, एल और सी वहाँ है ही नहीं, सिर्फ ये रेजिस्टिव सर्किट रह गया। क्लियर? बोलो रे बाबू, यस यस। व्हेन ए 60 मिली हेनरी इंडक्टर, मिली यानी 10^-3, एंड ए रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी वोल्टेज सोर्स, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए एसी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 60 डिग्री। हाँ, वो वोल्टेज जो है वो करंट से 60 डिग्री सामने रहता है एंगल में यानी फेज में। इफ़ द इंडक्टर इज रिप्लेस बाय 0.5 मिली फेरेड, फिर से मिली यानी 10^-3 कैपेसिटर, द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 30 डिग्री। बिल्कुल, वोल्टेज है करंट से पीछे रहता है कैपेसिटिव सर्किट में, 30 डिग्री से दिया है। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई जो है उसका, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये हमें पूछा है। क्लियर क्या रे बाबू, बताओ जल्दी। क्लियर क्या? तो यहाँ पे दो प्रकार की केसेस है, तो उसके अनुसार क्या होगा? पहला सर्किट कौन सा दिया है बताओ, दोनों सर्किट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आप बोलेंगे सर पहला ये दिया है, कौन सा? इंडक्टर और रजिस्टर, इंडक्टर और रजिस्टर, और ये एसी सोर्स लगाया है, ये इंडक्टर, ये रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस आर, इसका इंडक्टेंस एल। क्लियर क्या? हाँ, इसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एक्सेल रहेगा। ये पहली केस, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस ये वाली। अब सेकंड केस में क्या होता है बताओ? तो सेकंड केस में इंडक्टर को हटा के किसको लगाया? कैपेसिटर। रेजिस्टर वैसे ही है, ये एसी सोर्स भी वैसे ही है, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी से रजिस्टर का रजिस्टेंस यस, तो ये अभी कैपेसिटर और ये रजिस्टर यस,
तो यहाँ पे पहले केस में क्या होता है आपको मालूम है, पहले केस में ये जो करंट है आई ईएमएफ उससे कितना लीड करता है, 60 डिग्री क्या कर रहा है लीड, और इस केस में जो करंट है उससे ईएमएफ क्या होता है 30 डिग्री लैग कर रहा है। इस केस में ये ईएल, इस केस में ये ईसी है ना, बोलिए जल्दी। यस, तो अभी हमें जो डाटा फिर प्रॉब्लम में दिया है उसके अनुसार बताओ क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर वो आपको इम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करके दूँ तो क्या होगा, अरे इम्पेडेंस ट्रायंगल यहाँ भी और इम्पेडेंस ट्रायंगल यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ तो क्या होगा बताओ मुझे थोड़ा सा। तो ये एंगल फाई, यहाँ भी ये एंगल फाई, ये क्या रहता है आर, ये हाइपोटेनस क्या रहता है जेड, ये भी आर हाइपोटेनस जेड, हाँ ये रहता है एक्सएल माइनस एक्ससी, अगर दोनों रहे तो यल और सी साथ में रहे तो, लेकिन यहाँ यल है सी नहीं है तो ये कौन सा रहे एक्सएल, यहाँ यल हटा के सी लगा है तो ये कौन सा एक्ससी, क्लियर क्या। अब यहाँ से मुझे बताओ टैन फाई बताओ बरा मुझे, तो देयर फोर टैन फाई इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये 90 ना रे, यहाँ भी ये एंगल है 90, हाँ तो टैन फाई इक्वल टू क्या आएगा एक्सएल अपॉन आर, तो टैन फाई की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री और एक्सएल की वैल्यू मैंने बताया ओमेगा एल अपॉन आर है ना, तो टैन 60 कितना होता है रे बाबू, टैन 60 यानी रूट थ्री, ये ओमेगा यल अपॉन आर, ये इक्वेशन वन बोलो। अब इधर आओ, इधर बताओ टैन फाई क्या आएगा, तो टैन फाई इक्वल टू क्या आएगा एक्सी अपॉन आर, तो अभी ये टैन फाई यानी 30 डिग्री और एक्सी यानी वन अपॉन ओमेगा सी, और ये आर वैसे ही, इसको इक्वेशन टू बोलता हूँ। अच्छा, उसके पहले, उसके पहले टैन 30 यानी वन बाय रूट थ्री और ये वन अपॉन ओमेगा सी आर, इक्वेशन टू, क्लियर। ये वन ये टू तो डिवाइड करो बरा, वन डिवाइडेड बाय टू करो, इधर बता रहा हूँ। सो वन डिवाइडेड बाय टू गिव्स क्या आएगा फिर, ये लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, तो रूट थ्री अपॉन वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू ये ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर अपॉन यहाँ बेटा वन अपॉन ओमेगा सी आर, यस। तो ये रूट थ्री वैसे ही डिवीजन के बजाय मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स रूट थ्री बाय वन, ये ओमेगा एल बाय आर वैसे ही डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई, तो ये भी रिवर्स ओमेगा सी आर बाय वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी थ्री, और ये आर आर कैंसल, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर और ये एल इंटू सी। तो अभी हमें वहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और बाकी हमें वैल्यू दी है, यल की वैल्यू दी है 60 मिली हेनरी और सी की वैल्यू दी है 0.5, क्या दिए 0.5, वो माइक्रोफेरेड क्या दिया रे बाबू रे, वो माइक्रोफेरेड दिया है, ख्याल में रखो मिली फेरेड नहीं है, वो क्या है माइक्रोफेरेड। तो इधर मैं साइड वर्क में मेंशन कर देता हूँ दिया हुआ डाटा, तो साइड वर्क बोलो यल कितना दिया और सी कितना दिया है, यल कितना दिया है फटाफट पहले बताओ मुझे। तो आप बोलेंगे सर यल दिया है 60 मिली हेनरी है ना, तो ये 60 मिली यानी 10^-3 हेनरी, तो ये 610 यानी 10^1, ये ऑलरेडी 10^-3, तो 6 × 10^-2 हेनरी, और सी कितनी दिए बोला 0.5, क्या दिया है 0.5, बोलो जल्दी कितना दिया है वो 0.5 माइक्रो फेरेड। तो ये 0.5 माइक्रो यानी 10^-6 फेरेड, क्लियर क्या। तो ये वैल्यू सी की,
तो ये इसमें रखो बरा, ये थ्री वैसे ही इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, एल की वैल्यू 6 × 10⁻², सी की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁶, सो 3³ इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, ये 0.5 ने आधा रे, क्या रे बाबू आधा, और ये 6 क्लियर, क्या 6 का आधा फिर कितना होता है 3, और ये 10⁻⁸ क्लियर, क्या बोलिए जल्दी, यस। तो यहाँ फिर अभी ये 3³ हो गए कैंसिल, तो यहाँ बचा 1, ये ओमेगा स्क्वेयर क्लियर, और ये 10⁻⁸, तो ये ओमेगा स्क्वेयर वैसे ही 1, वैसे 10⁻ इधर लाया तो डिवीजन में 10⁻⁸, इसको अप लिया तो प्लस हो जाएगा 10⁸ इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 10⁸, तो ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 10⁸ का मतलब 10⁴ उसका स्क्वेयर, क्योंकि 4 × 2 होता है 8, स्क्वेयर स्क्वेयर क्या हो गया कैंसल, तो इधर लिखता हूँ तो बोलो क्या आएगा फिर, ओमेगा इक्वल टू 10⁴, तो ये ओमेगा की वैल्यू मिली हमें, लेकिन हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं, हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, अगर ओमेगा बोला होता तो ये आंसर आता रेडियन पर सेकंड, ये आंसर हुआ होता, लेकिन ओमेगा 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 की वैल्यू क्या आ गई 10⁴, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या आया था 10⁴ का, अब 10⁴ वैसे, तो एफ इक्वल टू 10⁴/2π फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स, ये आंसर आ गया। और ये साइड वर्क में बेटा हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इंडक्टर का इंडक्टेंस सीएल 60 mH, 60 mH यानी 10⁻³ हेनरी, 6 × 0 यानी 10⁻¹ या 10⁻³ हेनरी वैसे ही, तो 6 × 10⁻² ये −2 हेनरी, कैपेसिटी 0.5 μF माइक्रो यानी 10⁻⁶, तो सी इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁶ फैराड, क्लियर है बाबू, यस। तो ये पूरा प्रॉब्लम बहुत ही हाई लेवल का बढ़िया प्रॉब्लम है, क्लियर, यस, यस।